देखिए यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और इसमें योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और इसके लिए सेशन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई। लेकिन मॉनसून सत्र के पहले दिन यानी कि बीते कल जहां लव जिहाद को लेकर एक कड़ा कानून लाया गया, संशोधन बिल पेश किया गया जिसमें और कड़ी सजा और ज्यादा जुर्माने का प्रावधान किया गया। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करेंगे जिसके लिए सीएम ने सुबह 9:30 बजे अहम बैठक बुलाई। योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। अनुपूरक बजट के जरिए उपचुनाव साधने की कोशिश हो सकती है जिसकी झलक पहले ही दिन दिखी जब योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ यूपी विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया जिसमें कई अपराधों के लिए सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में लव जिहाद के लिए आजीवन जेल की सजा का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी अपराध के दायरे में लाया गया है। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग पर 7 से 14 साल जेल और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए नाबालिग महिला या किसी व्यक्ति की तस्करी पर 20 साल से आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन की घटनाओं की सूचना देने वालों का दायरा भी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।